गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको शरीर क्रिया विज्ञान यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा रही हूँ। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में नाइन्थ चैप्टर, लास्ट चैप्टर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हमारे लेक्चर्स में चल रहा है। और उसमें संवेदी अंग होते हैं, और संवेदी अंग में हमने कान और त्वचा पर सारे लेक्चर हो चुके हैं, और तीसरी तरह का संवेदी अंग है आँख, उसके बारे में मैं पढ़ा रही हूँ। और पिछले लेक्चर में मैंने आँख की संरचना शुरू की थी, ये चित्र मैंने बनाया था, और इसी चित्र को आप देखें कि इसमें तीन परत होती है, ये बताया था आपको। तो श्वेत पटल, दृढ़ पटल यानी बाहरी पटल, जो सबसे बाहरी पटल होती है उसके बारे में मैंने पिछली बार आपको बता दिया। बीच वाला मध्य या रक्तक पटल या कोरोइड या वाहिकामय परत, तो इसके बारे में भी पिछले लेक्चर में हमने पूरा डिस्कस किया था कि मध्य पटल जो है वो दृढ़ पटल से चिपकी हुई रहती है सब तरफ, लेकिन आगे जो है वो आगे वाला जो पार्ट, कॉर्निया वाला पार्ट है, वहाँ चिपकी हुई नहीं होती और उस जगह कुछ रचनाएं बनाती है। और वहाँ कौन सी रचनाएं बनाती है? उपतारा यानी आयरिस, फिर उसके अंदर प्यूपिल होता है, और उसके अलावा सिलियरी बॉडी से निलंबन रज्जु लगे हुए होते हैं, बीच में लेंस होता है, आगे की साइड इसमें जलीय द्रव कक्ष होते हैं, पीछे काचाप द्रव कक्ष। इस तरह से ये सारा मध्य पटल के बारे में बता दिया था। और तीसरी जो पटल होती है आंतरिक पटल यानी अंतः पटल या रेटिना, उसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। तो आंतरिक आवरण को हम आंतरिक तंत्रिकामय परत भी कहते हैं, क्योंकि हमने मध्य पटल को वाहिकामय परत कहा था यानी वेस्क्युलर, बहुत सारी उसमें रक्त वाहिकाएं होती है, तो आंतरिक पटल को हम तंत्रिकामय परत भी कहते हैं। इनर नर्वस लेयर यानी नर्वस, बहुत सारी तंत्रिकाएं, नर्व्स पाई जाती हैं, तो आंतरिक तंत्रिकामय परत नाम से पता चल रहा है कि यहाँ कई सारी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। और दूसरा नाम है इसका दृष्टि पटल यानी रेटिना, रेटिना भी लिख सकते हैं हम, दृष्टि पटल भी लिख सकते हैं। तो आंतरिक पटल यानी दृष्टि पटल या रेटिना आँख का सबसे अंदर वाली परत होती है, और सबसे अंदर वाली परत को हम रेटिना कहते हैं। और रेटिना में बहुत सारी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, इवन तंत्रिकाओं का एक जाल जैसा पाया जाता है। और ये वाली जो सबसे आंतरिक परत होती है, चूंकि यहाँ तंत्रिकाएं होती हैं, इसलिए ये बहुत नाजुक अंगों में गिना जाता है, ये बहुत ही नाजुक पार्ट होता है, और रेटिना पारदर्शक होता है, क्योंकि रेटिना में ही जितनी भी वस्तुओं का जो चित्र है वो लेंस से आएगा और रेटिना पर उल्टा बनेगा, और फिर रेटिना जो है वो दृष्टि तंत्रिकाओं से मस्तिष्क में पहुंचाती है, और फिर मस्तिष्क के दृक पिंड में वो वापस से सीधा होता है और फिर हमारे पास वो आता है। तो ये जो अंग है सबसे अंदर वाला, वो नाजुक होता है और पारदर्शक होता है। इसमें कुछ पेशियां पाई जाती हैं थोड़ी बहुत, और थोड़ी तंतुओं की परत भी पाई जाती है। आंतरिक परत को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो इसमें दो स्तर दिखाई देते हैं, रंजक स्तर यानी पिगमेंट लेयर, और संवेदी स्तर यानी सेंसरी लेयर, मतलब अंदर वाला जो पार्ट है उसमें रंजक स्तर भी होते हैं, कुछ पिगमेंट्स भी होते हैं, और सेंसरी लेयर, सेंसेस जो होते हैं देखने वाले, या फिर जो भी आँखों के इशारे या जो भी हैं, तो वो रंजक स्तर और संवेदी स्तर, पिगमेंट लेयर और सेंसरी लेयर, ये दोनों इसी के ही पार्ट है अगर हम माइक्रोस्कोप से आंतरिक परत को देखते हैं। तो जब हम आंतरिक परत को अच्छे से देखते हैं तो इसमें कई सारी रचनाएं दिखाई देती हैं, और मेनली इसमें दो रचना होती है आंतरिक परत में, एक होती है छड़ यानी शलाका या रॉड्स, और दूसरा शंकु यानी कोन्स, मतलब आंतरिक परत में बहुत सारे छड़ और शंकु, रॉड्स
और कोन्स पाए जाते हैं। रॉड्स नाम से ही पता चल रहा है कि रॉड्स शलाका यानी इसकी जो कोशिकाएं हैं वो लंबी लंबी होती हैं। रॉड्स की शलाका की कोशिकाएं लंबी लंबी होती हैं और जो कोन्स यानी शंकु होता है उसकी कोनिकल आकार की यानी शंकु आकार की कोशिकाएं होती हैं। जो छड़ होता है यानी रॉड्स जो होते हैं उनमें जो वर्णक पाया जाता है, जो पिगमेंट पाया जाता है, हम उस पिगमेंट को कहते हैं रोडोप्सिन पिगमेंट। ये रोडोप्सिन पिगमेंट जो है वो दो चीज से मिलकर बना हुआ है, रेटिनिन प्लस ऑप्सिन। रेटिनिन किसे कहते हैं? विटामिन ए का नाम है। तो विटामिन ए और प्रोटीन, ऑप्सिन मतलब प्रोटीन, तो विटामिन ए और प्रोटीन, रेटिनिन और ऑप्सिन दोनों मिलकर रोडोप्सिन बनाते हैं। और ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट है ये हमारी आँखों को ये बताता है कि यहाँ उजाला है या अंधेरा है, या फिर वो ब्लैक एंड वाइट मतलब काले और सफ़ेद में अंतर भी दिखाता है। तो रोडोप्सिन में क्या होता है कि जब हम बाहर जाते हैं तो रोडोप्सिन टूट जाता है रेटिनिन और ऑप्सिन में और हमको उजाले में अच्छे से दिखाई देता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन जब बाहर से अंदर आते हैं एकदम अंधेरे में, अंधेरे कमरे में आए वहाँ बिल्कुल अभी उजाला नहीं है, तो आते ही हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़ी देर बाद में दिखाई देने लगता है भले उजाला नहीं है, क्योंकि जो रोडोप्सिन बाहर टूटा था रेटिनिन और ऑप्सिन में वो अंदर आने के बाद में वापस रेटिनिन और ऑप्सिन मतलब विटामिन ए और प्रोटीन दोनों मिलकर वापस रोडोप्सिन बनाते हैं। तो मिलकर बनाने में कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगते हैं, तो जितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है उस सेकंड में हमको दिखाई नहीं देता। इसलिए हम कहते हैं कि अच्छी मतलब आँखों की अच्छी देखभाल और आँखों से हमें अच्छा दृष्टि ज्ञान हो उसके लिए हमें प्रोटीन और विटामिन ए भरपूर खाना चाहिए। विटामिन ए भरपूर क्यों खाना चाहिए? जब हम बाहर गए वो टूटा विटामिन ए और प्रोटीन में, वापस आए तो वापस जुड़ा, वापस गए वापस टूटा, तो जितनी बार वो टूटता और मिलता है उतनी में कुछ कुछ पार्ट विटामिन ए और प्रोटीन के नष्ट होते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन विटामिन ए और प्रोटीन अच्छी मात्रा में खाना चाहिए जिससे कि हमें आँखों से अच्छा दिखाई दे। फिर रॉड्स में रोडोप्सिन है तो ऐसे की ऐसे ही जो कोन्स यानी शंकु जो हैं उसमें भी एक पिगमेंट पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है और उस वर्णक का नाम होता है आयोडोप्सिन। रॉड्स में रोडोप्सिन और कोन्स में आयोडोप्सिन। और जो आयोडोप्सिन पिगमेंट है वो शंकुओं में रंगों के भेद के लिए होता है। रंगों का भेद मतलब हमारी जो आँखें हैं वो ये रंग भेद कर सकती है कि ये पिंक है, ये रेड है, ये येलो है, या फिर ये ग्रीन है, या ब्लू है, या वॉयलेट है। तो रंगों का भेद बताने वाली जो रचनाएं हैं उन्हें हम शंकु कहते हैं। अब यहाँ मैं एक एग्जांपल दूंगी कि जब टेस्ट होते हैं ड्राइवर के कि भाई आप गाड़ी अच्छे से चला पाओगे कि नहीं, कई टेस्ट तो होते हैं लेकिन रंग वर्णक वाला शंकु का टेस्ट भी होता है उनका, जिससे कि क्या उनके आँखों के शंकु ठीक है। अगर ठीक है तो उन्हें पता पड़ जाएगा ये रेड कलर है या ये ऑरेंज कलर है। तो जो ड्राइवर होता है उसके लिए एक तो रेड कलर का पता होना बहुत ज़रूरी है कि रेड उसको समझ में आ गया मतलब स्टॉप होना है, फिर ग्रीन मतलब चल देना है, और उन दोनों के बीच में एक ऑरेंज कलर होता है मतलब सोचो समझो और फिर निकलो, इस तरह से। तो अगर मान लो किसी व्यक्ति के शंकु खराब हो गए, नष्ट हो गए या कम हो गए तो वो रंगों का भेद नहीं बता सकता। तो रंग भेद नहीं बता पाएगा तो उसे क्या होगा कि जैसे लाल कलर है, मरून कलर है, जो गहरे कलर है ना पर्पल कलर है वो सब तो वो ब्लैक बताएगा, और जो जैसे लाइट येलो है, पिंक है, लाइट पर्पल है वो सब वो वाइट बताएगा।
तो उसके जब शंकु खराब हो जाते हैं तो सिर्फ उसको ब्लैक एंड व्हाइट यानी दो ही कलर दिखाई देते हैं। और कहते हैं कि शंकु लेडीज में ज्यादा होता है क्योंकि लेडीज की आंखें थोड़े थोड़े कलर को पता लगा लेती हैं कि ये लाइट वाला पिंक है, ये थोड़ा गहरे वाला पिंक है, ये तो बेबी पिंक है, ये तो रेडिश पिंक है। तो इस तरह से बहुत सारे पिंक, बहुत सारे येलो, तो उनमें शंकु ज्यादा होते हैं और जेंट्स में शंकु कम होते हैं, ऐसा कहते हैं। ये तो दो रचनाएं हो गई। अब उसके बाद में जो रेटिना का जो मध्य भाग है, जो रेटिना का मध्य वाला भाग है, वहां शंकु और छड़ मतलब रॉड्स और कोन्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो बहुत ज्यादा होने से दृष्टि ज्ञान मतलब हमको देखने की प्रवृत्ति भी वहां बहुत ज्यादा होती है। तो दृष्टि ज्ञान वहां बहुत ज्यादा होता है और उसे हम येलो स्पॉट यानी पीत बिंदु कहते हैं। जहां बहुत ज्यादा दिखाई देता है, रॉड्स और कोन्स ज्यादा होते हैं, उसे हम येलो स्पॉट यानी पीत बिंदु कहते हैं। लेकिन हमारी आंख में एक अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट भी होता है। ब्लाइंड स्पॉट वहां होता है जहाँ की ये जो दृष्टि तंत्रिकाएं हैं, जब आंतरिक वाली परत बनाती है, आंतरिक वाली परत जब बनाएगी अंतःपटल आईबॉल की, तो उस जगह जैसे ही बनाने लगेगी, इस जगह जहाँ तंत्रिका और अंतःपटल इकट्ठी हो रही है और चालू हुई बनाना, तो उस जगह छड़ और शंकु यानी रॉड्स और कोन्स दोनों ही नहीं पाए जाते, बिल्कुल नहीं होते हैं। इसलिए वहां बिल्कुल नहीं दिखाई देता, ब्लाइंड हो जाता है। तो हम उसे ब्लाइंड स्पॉट यानी अंध बिंदु कहते हैं। और हर व्यक्ति में होता है। आप एक मतलब है ना, उसका एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो कि एक प्लेन पन्ने पे दो क्रॉस लगा के और आप थोड़ा पास पास लेके आओ, तो दोनों आंख का अलग अलग भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल एक पॉइंट पर आते ही आपको वो जो दोनों पॉइंट्स, जो दोनों क्रॉस या जो लगा रखे हैं, वो नहीं दिखाई देंगे। फिर वापस पास में आएगा तो दिखाई दे जाएगा। मतलब किसी का अंत बिंदु थोड़ा दूर होता है, किसी का पास होता है। तो एक अंत बिंदु होता है, एक पीत बिंदु होता है। जो ये रॉड्स और कोन्स होती हैं, इनमें वर्णक होते हैं, रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन। तो ये वर्णक जो हैं वो कुछ और कार्य भी करते हैं। जो प्रकाश की तरंगे होती हैं, जो बाहर से लाइट आ रही है, तो प्रकाश की तरंगों को वो तंत्रिकाओं के द्वारा, ये जो तंत्रिकाएं जा रही है, दृक तंत्रिकाएं, दृष्टि तंत्रिकाएं, ऑप्टिक नर्व्स, तो दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा ये जो प्रकाश की तरंगे हैं उनको आवेग में बदल देते हैं। सेंसेशन में जो एक इम्पल्सिस होती हैं, जो संवेदना होती है, आवेग में बदल के और मस्तिष्क तक पहुंचा देते हैं। ये दोनों पिगमेंट्स, ये दोनों वर्णक आंतरिक जो परत है उसमें वो उस जो चित्र है या जो प्रकाश की किरणें हैं वो आई और उनको तंत्रिकाओं से मिलेंगे और तंत्रिकाओं से मिलके उसको संवेदना में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे मान लो ये अपन लगा रहे हैं या चुभ रहा है, तो ये संवेदना जो ऊपर जाती है तो वो वापस से कहती है कि भाई आप हिलो या हटाओ जो भी है। तो वैसे ही वो तंत्रिका जो बाहर से प्रकाश अंदर जा रहा है, तो वो तंत्रिकाओं के द्वारा आवेग बन के मस्तिष्क में जाता है और मस्तिष्क हमको वापस कहता है कि आपको ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो आंतरिक रचना है उसमें छड़ और शंकु हमको देखने में मतलब मस्तिष्क के द्वारा सोचने समझने और देखने में भी मदद करते हैं। ये आंतरिक आवरण के बारे में था। अब वापस से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। आंख में तीन परत होती है, बाहरी परत यानी दृढ़ पटल, बीच की परत यानी मध्य पटल या रक्तक पटल, और उसमें बहुत सारी रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं और बहुत सारी आगे रचनाएं पाई जाती हैं, और आंतरिक पटल यानी रेटिना अंतः पटल। रेटिना जो होता है बहुत सॉफ्ट वाली परत होती है, इसमें बहुत सारी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तंत्रिकाओं का जाल जैसा फैला हुआ होता है। चूंकि तंत्रिकाएं होती हैं इसलिए सारी संवेदना मस्तिष्क तक जाती है और मस्तिष्क से हमको वहाँ एक दृक पिंड होता है, वहाँ से हमको देखने में मदद मिलती है। तो आंतरिक जो परत होती है उसमें अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें, एक तो ये पारदर्शक होती है, और अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो इसमें दो रचनाएं छड़ और शंकु, रॉड्स और कोन्स दिखाई देते हैं।
रॉड्स और कोन्स में कुछ कुछ विशेष मतलब विशेषताएं होती हैं, जैसे जो छड़ होते हैं, रॉड्स जो होते हैं उनमें एक वर्णक होता है रोडोप्सिन, और वो रोडोप्सिन जो है हमें अंधेरा या उजाला या ब्लैक एंड वाइट देखने में मदद करता है, और इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी लंबी शलाका की जैसी कोशिकाएं होती हैं। उसी तरह से जो कोन्स यानी शंकु होते हैं उनमें कोशिकाएं कॉनिकल मतलब तिकोनी होती हैं। शंकु में जो वर्णक पाया जाता है हम उसे आयोडॉप्सिन कहते हैं, और जैसे ये काला और सफ़ेद अंधेरा और उजाला बताता है, वैसे आयोडॉप्सिन हमारी आँखों को रंग भेद कलर डिफ्रेंसिएशन के लिए शंकु जो है वो जिम्मेवार होते हैं। छड़ और शंकु किसी पॉइंट पर बिल्कुल नहीं होते जब दृष्टि तंत्रिका और अंतःपटल मिलते हैं, तो उसे हम अंध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, और उस जगह जहां बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जहां किसी भी वस्तु का चित्र बनता है रेटिना में, हम उसे येलो स्पॉट या पीत बिंदु कहते हैं। और जब कोई भी प्रकाश की किरणें छड़ और शंकु तक जाती है तो छड़ और शंकु प्रकाश की तरंगों को तंत्रिकाओं के द्वारा तंत्रिकाओं की मदद से संवेदना बना देते हैं, और उस संवेदना को मस्तिष्क तक, उस आवेग को मस्तिष्क तक पहुंचा के हमें देखने में मदद करते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ द आई, आँख की संरचना हो गई। ये इसका चित्र है, नामांकित चित्र और इसकी रचना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका कार्य मतलब आँख का क्या कार्य है और कैसे उसकी क्रियाविधि होती है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।